वेलकम बैक टू दी चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 17th of June सैटरडे एंड बहुत टाइम पहले से मैं बता रही हूँ कि हम लोग इस बार पहली बार दुबई में रोजर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, जो कि उड़ीसा का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, बट पहली बार यहाँ पे दुबई में हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो उसमें फूड स्टॉल भी लगेगा, बाकी रोजर का जो स्पेशल झूला है वो भी होगा, बाकी क्या क्या होंगे वो तो जाके शाम को ही पता चलेगा। फिलहाल माई लव फॉर कुकिंग में आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मैं भी फूड स्टॉल लगा रही हूँ। ये सब फूड स्टॉल वगैरह खाना बनाने की जब भी बात आती है, पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से हिम्मत आ जाती है और मतलब बिल्कुल थकावट नहीं लगती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो आज मैं बना रही हूँ माछो बेसरो, यानी कि फिश मस्टर्ड के साथ में जो करी बनता है उड़ीसा का, एक बहुत ही मतलब टिपिकल जो विलेज रेसिपी है ना वही है वो, उसके साथ में राइस एंड सलाद बना रही हूँ। करीब 90 पीस हम लोग फिश लेके आए। एक्चुअली मुझे मटन बनाना था, क्योंकि रोजर में स्पेशली मटन बनता है, पर कोई और स्टॉल लगा रहा है मटन का, तो इसलिए मैंने और नहीं बनाया। एंड तो बस ये है इस बार। लेकिन मुझे थोड़ा सा डर है, क्योंकि मैंने जब भी फूड स्टॉल लगाया, जो हांडी साड़ हमारा उड़ीसा का होता है उसमें जब भी मैंने फूड स्टॉल लगाया, तो वो पिछले 10-12 साल से हो रहा है, तो आइडिया है कि हाँ कितने लोग आएंगे, कितना बिकेगा, क्या क्राउड होगा, क्या नहीं, आइडिया है। बट ये पहला साल है, तो इसलिए थोड़ा सा तो वो है कि हाँ कितने लोग आएंगे। एंड फिश है, तो अगर नॉन उड़ियाज आते हैं तो मोस्टली नॉन उड़िया बोन वाले फिश नहीं खा पाते हैं, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, वो भी थोड़ा सा वो है। फिलहाल देखते हैं कैसा क्या होता है। हम लोग करीब 90 पीस जो है फिश लेके आए हैं, साथ में राइस बनाऊंगी, सलाद बनाऊंगी एंड फटाफट ये सब मैं रेडी करती हूँ। एंड इसकी रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर की, आज कोई रेसिपी वगैरह नहीं, मैं फटाफट रेडी करती हूँ। फिर हमें भाभी भाई भी आएंगे, फिर साड़ी वगैरह पहन के हमें पहुंचना है उधर 5:30 बजे तक, उनके 6 बजे से स्टार्ट है प्रोग्राम। तो चलिए इसे फटाफट स्टार्ट करते हैं, मतलब कर रही हूँ। टमाटर का प्योरे बना था ना, वो सारा अच्छे से भुन गया है। बस इसमें पाउडर मसाले ऐड करूंगी, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर वगैरह वो सब, एंड फिर पानी ऐड करके, पानी में जैसे ही बॉयल आएगा फ्राइड मच्छी वगैरह जो है वो सब ऐड कर दूंगी। एंड ड्राई मैंगो ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि उससे थोड़ा टैंगी फ्लेवर भी आता है एंड इस रेसिपी में ज़रूर यूज़ होता है। एंड टोटल आज मैं करीब ज़्यादा नहीं 80 लोगों के लिए ही बना रही हूँ। तो इसमें मैंने यूज़ किया है ये मस्टर्ड ऑयल, तो एक ये पूरा बॉटल यूज़ किया है 1 लीटर का, एंड ये आधा, मतलब टोटल 1.5 लीटर ऑयल मैंने यूज़ किया है फिश फ्राई करने के लिए एंड करी बनाने के लिए टोटल। वगैरह तो धीरे धीरे कुकिंग करते करते का अंदाजा हो जाता है कितना क्या ऐड करना है। पहले से ही मैं मतलब ऐसे चम्मच, 1 चम्मच 2 चम्मच ऐसे मैं कभी भी ऐड नहीं करती थी, ऊपर से अंदाजा एक हो जाता है कि हाँ इतना मसाला ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए मसाला पूरा भुन गया है, बस इसमें पानी ऐड करेंगे, पानी में जैसे ही बॉयल आ जाएगा फिश ऐड कर देंगे। एंड ये रहा ड्राई मैंगो, चावल यहाँ पे बन के रेडी है, बट हम इसको स्टार्च इसका निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत भारी है ये। तो भाई और अजीत का वेट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे ये तो बन के रेडी है, ये सलाद वगैरह सब कट के रेडी है, बस ये इसमें दही मिक्स होगा एंड ये बस चावल। हमने आज उड़ीसा का स्पेशल जो संबलपुरी साड़ी है कॉटन वाला वही पहना है। ये रहे मेरे पतिदेव, इनसे आप मिलिए। गाइस नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप? अरे दीपू सिंह आओ 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 फटाफट। तो जीत ने मेरे साथ ब्लैक रेड मैच किया और भाभी के साथ भाई रेड रेड पूरा है, उनको पूरा सौंडो वाला कलर, रेड रेड सुंदर सौंडो।
दीपू बेचारा आएंगे ना सामने। अरे हम चारों का जैसे फोटो लग रहे हैं, हम सब अच्छे लग रहे हैं। एक काम करो, आप लोग स्माइल करो फोटो के लिए। प्लीज क्लिक फोटो। और हमारे ट्विंस में जो ओरिजिनल ट्विंस वो तो है ही, हमारे थोड़ा ट्विंस होने के लिए। अरे सच में हम एक सो गाइस हम लोग बस फटाफट अभी 5 बज गए, सारा सामान पैक करके कूल टैंक में हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पहले रख के आएंगे, फिर बाकी का जो फिश एंड ये सब लेके जाएंगे। और इस हालत में मैं तो बड़ा बड़ी बेचने नहीं वाली भाई, फिश यही दोनों बेचेंगे, पल्लू संभालूंगी बस। देवी का लोग भी आएंगे तो सब लोग हेल्प हो जाएगा। समीरन को फोन करो ना, संग्राम का है, मना कर रहा था उसका ऑफिसर राहुल, उन्होंने कब बोला कितने बजे। एंड हम लोग कैसे लग रहे हैं, स्पेशली भाभी और मैं कैसे लग रहे हैं बताना, एंड ये साड़ी कैसा लग रहा है बताना। अब बहुत कमेंट आएंगे कि लिंक दो, नहीं मिलेगा भाई किसी को नहीं मिलेगा। तो बस लिंक में है नहीं साड़ी, नहीं मिला मेरे लिए, मुश्किल से लेके आए, हाँ वो भी शॉप से लेके आए ना, उड़ीसा से उनके पहचान वाला। एंड ये उसमें ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जो है वो पहना है हमने। स्टॉल लगा है एक, एंड उधर ज्वेलरीज भी लगे हैं, एंड इधर फंक्शन हो रहा है, उधर फूड स्टॉल जो है वो लग रहा है। क्या देवी का आएगी शॉपिंग? देवी का आई है तो मतलब शॉपिंग तो करेगी, चाहे एक दो स्टॉल लगे देवी का। देवी का तुम जैसे सारे स्टॉल से शॉपिंग करे ना, हमारे स्टॉल से उतना खाना खाना, ठीक है? उतना खाना खाना हमारे स्टॉल से। ये सारा उड़ीसा का मिठाई जो डायरेक्ट आया है, डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट हो गया ना, तो उसी वजह से रसगुल्ला, छेना पोड़ो, ये पिट्ठा सब। ये हमारी एक स्पेशल गेस्ट थी, एंड ये और उनकी मम्मी जो कि पाकिस्तान से आए थे विजिट पे और यहाँ पे हमसे मिलने आए थे, बहुत सारे नॉन ओडियाज खाली हमसे मिलने आए थे, थैंक यू सो मच। कंफ्यूजन है कि मैं रियल हूँ कि नहीं हूँ, बस वीडियो में देखती हूँ।
एंड ये हमारे यूट्यूब फैमिली के एक मेंबर जो कि अरबी है, उनको हिंदी थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, फिर भी वो हमारे ब्लॉग्स देखते हैं। थैंक यू सो मच। Take care, lots of love. Bye guys. Bye.